लो इसमें सब है अच्छा आटा जी चावल रिफाइन दालें आलू हो गया सब दे रहे हैं ठीक है ये मोदी सरकार देखिए आप सब लोगों का ध्यान रख रही है इतना ठीक है ना अब आप लोगों है ना मोदी सरकार और यहाँ पे आपका जी आपका नाम हाँ जी बोलिए मास्क लगाइए बस रोज लगाओ ये नहीं कि आज ही लगाना चाहिए जब भी बाहर निकलोगे वैसे घर में भी कोई आए तो मास्क लगाना है ठीक है आपको लोगों को और आपका क्या नाम है क्या नाम है आपका दूसरी वाली का क्या नाम है आपका जाने जाएंगे सर क्या मामला है क्या हुआ है आज हमारे महिला मोर्चा ने इंतजाम किया है कि यहाँ जो काम वाली महिलाएं हैं जो कामकाजी महिलाएं हैं जो कुछ कमाती खाती हैं उनको राशन की व्यवस्था करके दी है हमारे महिला मोर्चा की श्रीमती इंदु सेठी जी गीता छापड़ा जी ये सब मिलकर ये काम कर रही हैं सतीश कातिब जी हमारे पार्षद और माया सक्सेना जी इनका विशेष सहयोग है तो एक अच्छा काम है मोदी जी ने हम लोगों को निर्देश दे रखा है कि कोई भी भूखा ना सोए इसी क्रम में ये काम लगातार चल रहा है और चलता रहेगा जब तक हमको नजर आएगा कि लोगों को ज़रूरत है इसकी तब तक हम ये काम करते रहेंगे हालांकि सरकार ने बहुत सी व्यवस्था की है राशन वितरण की फ्री में राशन भी दिया जा रहा है उसके बावजूद कुछ लोगों के कार्ड नहीं है तो उनको राशन नहीं मिल पा रहा था तो उसी क्रम में ये काम लगातार चल रहा है आज भी क्या करना चाहती हूँ मेरा आप लोगों के द्वारा सब पूरी बरेली वासियों को ये संदेश दे रही हूँ कि हम लोग जिस दिन से ये 23 तारीख से लॉकडाउन हुआ है उसी दिन से हम लोग इस प्रयास में हैं कि कोई आसपास वाला भी भूखा ना रहे और बरेली पूरे महानगर में एक अध्यक्ष होने के नाते सब जगह से फ़ोन करके भी प्राप्त करती हूँ जानकारी में कि राशन जिसको चाहिए उसे राशन जिसे सैनिटाइजिंग की चीज़ें चाहिए सैनिटाइजिंग भी उपलब्ध करवा रही हूँ और मास्क भी उपलब्ध करवा रही हूँ और बना हुआ भोजन भी मैं अपने मंत्री जो माया सक्सेना जी हैं क्योंकि उनके पति लगातार इन प्रयासों में चल रहे हैं तो उन्होंने मुझसे ये आग्रह किया कि महिला मोर्चा को मैं कोई भी परेशानी ना होने दूंगा आपको जिस चीज़ की जिस समय जो ज़रूरत पड़े वो मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा और आज अभी अभी मेरे ब्रज क्षेत्र के उपाध्यक्ष हर्ष भाई ने भी मेरे लिए यहाँ पर 300 मास्क उपलब्ध करवाए हैं कि आप अपनी पूरी टीम व पूरे मंडल अध्यक्षों को सबको ये करवाएं और अभी 700 उन्होंने मुझे जानकारी दी है कि मैं मास्क और आपको भिजवाऊंगा आप किसी बात की परेशानी ना उठाएं और अपनी बहनों से भी सबसे ये निवेदन करें कि किसी चीज़ की भी आवश्यकता पड़े तो वो खाली मेरे को इन्फॉर्म कर दें आगे से मैं उन सबको करूँगी और इसी संदेश के साथ अपने आदरणीय मोदी जी ने जिस प्रकार रात को भी ये कहा है कि हमें आत्मनिर्भर होना है और हमें अपने स्वदेशी चीज़ों को आगे बढ़ाना है इसी क्रम में मेरी सारी बहनें जो हैं मास्क घर में बना भी रही हैं और हम लोग वितरित भी कर रहे हैं उन मास्क को और साथ ही साथ सैनिटाइजिंग के भी एक बहुत अच्छा तरीका हम लोगों ने ये उपलब्ध करवाया है कि डिटॉल हैंड वॉश के साथ
यहाँ लाइफ बॉय के साबुन की चक्की भी हम लोग सबको साथ में दे रहे हैं, जिससे कि मेरी बहनों को किसी बात की परेशानी ना हो, और इसी संदेश को अभी आगे भी हम लोग बढ़ाएंगे। ठीक, आइयो, क्या कहना चाहते हैं मुंबई मम्मा, क्या कहना चाहते हैं? मैं सतीश कातिब मम्मा, पार्षद वार्ड 23 इंदिरा नगर बरेली। 23 मार्च से हम बाबा नीलकंठ मंदिर ट्रस्ट आशुतोष से मंदिर ट्रस्ट के बैनर के नीचे निरंतर ये सेवा में लगे हुए हैं, जिसमें कच्चा खाना, आटा, चावल, तेल, नमक, हल्दी, मिर्च और दोपहर में पक्का खाना वितरित करते हैं। और ये सेवा जब तक परेशानी है, माननीय मोदी जी, योगी जी के निर्देश पर माननीय महानगर अध्यक्ष जी के महिला मोर्चा और मेन टीम श्री के एम अरोड़ा जी के माध्यम से ये सेवा निरंतर चल रही है और चलती रहेगी। और इसके साथ साथ बिर क्षेत्र के उपाध्यक्ष श्री हर्षवर्धन जी के द्वारा मास्क वितरण का जो कार्य किया जा रहा है और खाद्य सामग्री, खाद्यान्न सामग्री वितरण की जा रही है, हम पूरी बरेली महानगर की टीम उनको बधाई देते हैं। ठीक।